मेज ते धरिया एक वड्डा सारा यंत्र। असल च यह एक ड्रोन है जो गुआंढी मुल्क वालों एक साजिश के तहत भेजा जा रहा है। मामला है अमृतसर का, जिथे सीमा सुरक्षा बल के जवानों अमृतसर सैक्टर च दौके अते भरोवाल चौंकी विचाले रात करीब 11:15 बजे आसमान तो एक अजीब जही आवाज़ आउंदी सुनाई दिती। जवान मुश्तैदी विखाउंदिया रोशनी लई इलूमीनेशन बंब का इस्तेमाल करते हुए 9 राउंड फायर करते ने, जिस कारण एक वड्डा सारा ड्रोन हेठां आ डिगदा। यह एक चाइना मेड हैगजाकॉप्टर ड्रोन सी। जांच दौरान इस ड्रोन नाल एक बोरी लटकदी मिलती है जिस च पीले रंग के 10 पैकेटां उत्ते टेपां ला रखे हुए सन। फिर जब जवान उन्हां पैकेटां नूं खोल के देखते ने तो वेखदिया ही हैरान रह जाते ने। उन्हां च करीब 10 किलोग्राम हैरोइन रखी हुई सी। कि कल रात रात्रि को कल 11:15 बजे के करीब BOP बैरोपाल में तैनात BSF के अलर्ट जवानों को पाकिस्तान से इंडिया की तरफ दाखिल होते हुए ड्रोन की आवाज़ सुनाई दी। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जवानों ने अपने पर्सनल वेपन से 9 राउंड फायर किए और साथ में इलाके में रोशनी करने के लिए एक इल्यूमिनेशन बम का फायर किया गया। जो हमारी पार्टीज जो डेफ्थ में लगी हुई थी, पीछे की तरफ लगी हुई थी, उनको भी आगे बुलाया गया और उस इलाके की काफ़ी गहन छानबीन की गई। और सर्च के दौरान हमें एक हेक्साकॉप्टर ड्रोन जो कि काफ़ी बड़ा है साइज़ में वो प्राप्त हुआ। उसके साथ एक बैग टंगा हुआ था, एक सिस्टम है उनका, उसके बैग टंगा हुआ था, 4 बैटरीज एक्स्ट्रा लगाई हुई थी उन्होंने उसके ऊपर। और बैग को जब हमने खोल के देखा तो उसके अंदर लगभग 10 किलो हीरोइन उसके अंदर स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। तो BSF ने टोटल सीजर जो है एक बड़ा हेक्साकॉप्टर ड्रोन और साथ में 10 किलो हीरोइन। फिर सामान जो पास में था, एक बोरी थी जिसके अंदर सामान था, वो तो बोरी पे पाकिस्तान के कुछ उनके मार्क्स हैं। ये जो हीरोइन 10 किलो है इसकी वैल्यू आप सब जानते हैं, मार्केट में बहुत कई करोड़ों में इसकी वैल्यू है। और ये BSF के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ड्रोन और ड्रग्स हमने साथ में पकड़े हैं। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसके अलावा कुछ आपको लगता है कि जैसे बैटरी एक्स्ट्रा लगाई है तो उससे उन्होंने उसका कैपेसिटी को इन्हांस करने की कोशिश की होगी। इससे पहले हमने ड्रोन पकड़े हैं, ये हमारा 4th सीजर है ड्रोन का, लेकिन एक साथ ड्रोन और हीरोइन ये हमने फर्स्ट टाइम पकड़ा है। अभी हम पुलिस को और बाकी एजेंसी से मिलके इस इलाके की और छानबीन करेंगे और उसके बाद जो भी सामने आएगा वो आपसे शेयर किया जाएगा। सर रिसीवर कौन था, रिसीवर इसका कौन था, कुछ पता चला? मुझे लगता है कि क्योंकि हमने बीच में जो कार्रवाई की, जवानों ने जो कार्रवाई की, उस वजह से ये अपने स्थान तक नहीं पहुंच पाया और पहले ही गिर गया। सर कितने किलोमीटर का एरिया इसने तय किया है, क्योंकि आपने पकड़ा है इसको? अभी वो सब जो है तहकीकात का मसला है, वो हम इसको भेजेंगे एनालिसिस के लिए और उसके बाद जो डिटेल्स आएंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। सीमा में कितना घुस के अंदर आ गया था ये? लगभग 1 किलोमीटर का इलाका जो है इसने ट्रैवल किया है, लेकिन चूँकि इसमें कोई फॉल्ट आ गया था तो या इसको कोई हिट हो गया था, उसके बाद ये आगे जो गंतव्य स्थान था वहाँ पर नहीं पहुँचा। हाइट कितनी थी इसकी जब ये हुआ? लगभग 300 मीटर की हाइट पे ये फ्लाइट। हमने जो जवान थे वहाँ पर ड्यूटी पे 9 राउंड फायर किए हैं उन्होंने अपने पर्सनल हथियार से, और उसके अलावा एक रोशनी करने के लिए इल्यूमिनेशन बम का इस्तेमाल किया गया। सर क्या ड्रोन वापस भी जाना था कि बिल्कुल हमारे जो है सीनियर अधिकारियों ने इसको काफ़ी खुशी व्यक्त की है इस पर और जवानों के नाम आगे भेजे जा रहे हैं ताकि उनको पुरस्कारित किया जा सके। पता चला है कितनी कैपेसिटी है? ये मैं आपको वही करूँ कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसका पूरा तहकीकात की जाएगी इस पर और उसके बाद हम फर्दर कुछ नतीजे में पहुँच पाएंगे। लगभग आई थिंक यही इसकी कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी है मैक्सिमम यूज़ किया। मैं नहीं कह सकता इसको, अभी तहकीकात मार रहा हूँ। इसके ऊपर जो ड्रोन के ऊपर मार्किंग्स हैं वो मिटाई हुई है, तो इसलिए
ये कह पाना जानबूझ के किसी ने इसको मार्किंग को मिटाया। ये एक हमने फ्लैग मीटिंग की है, उस फ्लैग मीटिंग के साथ में हमने अपना जो है प्रोटेस्ट उनके साथ में लॉन्च किया है कि साहब आपकी तरफ से ड्रोन हमारी तरफ आया। अति आधुनिक सहूलतों नाल लैस ड्रोन की जांच की जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि इस विच कैमरा तो नहीं लगाया गया सी, हालांकि BSF वालों इलाके च तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हकीकत TV, पंजाबी।